हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू ब्लिंग स्पार्कल। आज की इस खूबसूरत सी वीडियो में हम देखेंगे ह्यूज ब्रेसलेट्स, और आप देखेंगे कि ये जो है काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। ब्राइड्स हो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आप मैरिड नहीं हो तो भी ये बहुत खूबसूरत एक्सेसरी है टू एम्प अप योर देसी आउटफिट्स। लहंगा हो, साड़ी हो या फिर कोई भी देसी आउटफिट हो, उसके साथ आप इस तरीके की लॉन्ग ब्रेसलेट्स पहनेंगे तो बहुत ही जमेगा। एंड आई थिंक एक अपने में एक स्टेटमेंट पीस है। आप सिर्फ इसको कैरी करेंगे, दूसरे हाथ में सिर्फ एक वॉच या कुछ एक स्मॉल आमलेट पहन लेंगे तो बस इट्स इनफ। इट्स एन अटेंशन सीकर। आपको चाहिए तो रियल गोल्ड में भी खरीद सकते हैं। काफ़ी सारे इसके डिज़ाइन मैंने देखे हैं, मलाबार गोल्ड में आपको मिल सकते हैं या फिर आप प्यारे जान ज्वेलर्स ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक अगर आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एक ही दिन के लिए चाहिए, जैसे कि आपका मेन वेडिंग इवेंट है एंड यू वांट टू गो ऑल आउट, तो आप एक कुंदन और पर्ल्स का जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी था उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे प्यारे डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको। तो हाँ, इस तरीके का आई थिंक जो जड़ाऊ है उसमें भी बहुत खूबसूरत लगता है। हैदराबादी का जो फेमस है आई थिंक ये आमलेट ब्रेसलेट, तो आप ज़रूर इस तरीके के कड़े में ज़रूर इन्वेस्ट करें। बहुत ही खूबसूरत लगता है हाथों में, और मेहंदी वाले हाथों में तो क्या ही कहना है। आई थिंक दिस एक्सेसरी अब एक मस्ट हैव हो जाएगा हर वुमेन के वार्डरोब में हु वॉन्ट्स टू वेयर समथिंग लिल एक्स्ट्रा।